महंगाई कितनी होगी आपने देखा ही है, क्या करेंगे हम, आत्महत्या के अलावा हमारे पास रहेगा, हमारी थाली से रोटी तक गायब होगी, हम बगावत ना करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है किसानों के पास, किसका कोई ठीक नहीं है। का बजट आ चुका है 2023 के फरवरी सत्र में। आपको मैं बता दूं कि कल बजट आया, 1 फरवरी थी कल, और बजट में जो आम जनता को मिला वो आपको पता ही है कितना तोहफा मिला है। सीतारमण ने जिस तरीके से, वित्त मंत्री ने लगातार बजट पर जोर देते हुए आम जनता की खुशहाली के लिए बताया, वहीं किसानों के लिए भी बताया, तो तमाम यहाँ किसान लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लायक राम है और मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। हिमाचल प्रदेश हल लेके आया हूँ, हल जो हम जोतते हैं, हल मेरे को अलाउ नहीं किया, बाहर रखा है वो पोस्टर पे, पोस्टर पे पोस्टर रखा है। हाँ, मैं 40 किलो का वेट उठा के पैदल चला हूँ, 1 महीना हो गया। क्यों 1 महीना हो गया आप लोगों? हाँ। को ये पीछे पोस्टर में आपको बता दूं, भारतीय मानव अधिकार मोर्चा खेत से शिमला, शिमला से दिल्ली पदयात्रा। बिल्कुल पदयात्रा की है आपने? मैंने पदयात्रा की है। क्यों करनी पड़ी आपको पदयात्रा? मैं किसान हूँ, हम ऐसे किसान हैं जो बारिश पे और बर्फबारी पे निर्भर रहते हैं। सरकारें हमारे लिए बस तो बनाती है फाइलों में और भाषणों में, बहुत कुछ हमारे लिए कहा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर आज किसान आत्महत्या करने की कगार पर खड़ा हो गया आके। ठीक है, वो फाइलों में है, सांसद में देखते हैं हम कि जब बस पास होता है लोग टेबल बजाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि आज हमारी स्थिति, मैं किसान हूँ और मेरे जैसे, हाँ, क्या टांगा हुआ ये पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ करते हैं, किसान खेतों में यूज़ करते हैं, और जब हमारी फसलें ख़राब हो जाती है हमें सरकार मुआवजा नहीं मिलती, और इन दवाइयों को ख़रीदने के लिए हम बैंकों से छोटे छोटे ऋण लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े कॉरपोरेटिव करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का लोन लेके विदेशों में भाग जाते हैं, सरकार उनके लोन माफ़ करती है, जो हम किसान देश को ठंड में धुंध में बैठकर 6 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं और देश को एक अच्छा अनाज, अच्छा भोजन देने का काम करते हैं, सरकार हमारे ऊपर मारती है, और कहीं ना कहीं हमारे को देखो बैंकों ने नोटिस निकाले हुए हैं कि जल्दी बिल्कुल ये मैं ही नहीं, हिमाचल के बहुत सारे, हिमाचल के क्या, मेरे पूरे देश के बहुत सारे किसानों को ऐसे नोटिस आए हैं, हिमाचल से आए हैं, कोई हिमाचल से है, कोई मथुरा से है, पूरे देश के किसान यहाँ पे आपको राज्य से मिलेंगे। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ किसान बचाओ देश बचाओ, क्यों भाई बच नहीं रहा है? प्रधानमंत्री जी देश के सभी किसानों के फसली कर्जे माफ करो। बिल्कुल, और ये अभी आपने लिखा आत्महत्या करता किसान, किसान के बेटे अग्निवीर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर और बच्चे, बिल्कुल अग्निवीर कहाँ से आ गया? भारत सरकार से पूछता है किसान, मुझे मारने वाली नीतियाँ क्यों? किसान का बेटा ही अग्निवीर बनता है, क्योंकि जब हमारा बेटा कोई 10वीं या प्लस 2 पास करता है तो सेना में जाना चाहता है, लेकिन सरकार ने एक सैन्य नौकरी को जो 0 टेम्परेचर पे दिन रात खड़ा होकर या था गर्मी के तापमान में समंदर में हवा में खड़ा होकर अपनी सेवाएं देता है, तो उसमें भी तो बताए हैं अग्निवीर क्या के? क्या फायदे बताए हैं, जो एक 0 टेम्परेचर में रात को खड़ा होकर सेवाएं देगा उसकी नौकरी काटी, मेरी बात सुनो, कार्यालय में नौकरी मिल जाएगी, और भी तो विभाग है, बॉडीगार्ड नेता क्यों नहीं किए 4 साल के लिए? क्या देते हैं नेता, हमारी वोटों से बनते हैं वो 4 साल के लिए क्यों नहीं किए? और विभाग है वो क्यों नहीं किए? एक जवान जवान जो अपनी छाती पे गोली खाता है, किसान का बेटा ही जवान बनता है, फिर उसकी उसके मानव अधिकार का हनन क्यों किया गया? ठीक है, अग्निवीर से तो आप मेरा हमारे मैं और किसान का बेटा है, वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो कौन खुश हो गया, क्या करेगा जब सरकार क्या करेगा ऑप्शन सरकार ने और क्या ऑप्शन रखी है उसके पास, रखिए कुछ आप बताओ, कोई ऑप्शन नहीं रखी है, हमारी तो मजबूरी बन गई है ना कि बीजेपी दफ्तर में भाई आपको एज अ बॉडीगार्ड, अरे बीजेपी दफ्तर में क्या करेंगे, जुतियां साफ करेंगे वहां पे बीजेपी दफ्तर में साफ करेंगे और क्या करेंगे वो, तो बीजेपी दफ्तर में जितने भी नेता में तो मेरी बात सुनो, 150-150 रुपए में आउटसोर्स रख रहे हैं सरकार, 150 रुपए में आप कहीं भी चले जाओ, कहां शोषण नहीं हो रहा है? किसका शोषण हो रहा है? देश में सब खुशहाल है, कल बजट आया है, सारे आम जनता के लिए कहाँ है? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तो खुशहाल नहीं हूँ, मैं किसान हूँ, 6 बजे से 8 बजे तक मैं खेतों में जाता हूँ। किसानों के लिए एग्रीकल्चर के नाम से एक ग्रीन ग्रोथ करके निकाला है 22,000 करोड़ जो है, बस वो फाइलों में होता है, एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, ऐसी नीति है सरकार की। ठीक है, किसान तक तो पहुँचते नहीं है, वो तो ऐसे देखता रहता है। बागवानी की जो परियोजना है उसमें 2200 करोड़ की जो है आपका दिया गया है, कहाँ मिलता है पैसा?
हमारे लिए स्कीमें बनाई जाती है। बजट में आया है भाई, बजट में ही है, वो फाइलों में ही है। के लिए खुशहाली का टाइम है, बस वही है। कहाँ है खुशहाली का? किसान कितने धरने पे बैठे हुए, आपने सोच सुना ही होगा गन्ने के रेट के लिए है। ये 25-60 ग्राम की दवाई मैंने 1100 की डाली हुई है गले में, ठीक है। और महंगाई कितनी होगी आपने देखा ही है। क्या करेंगे हम? आत्महत्या के अलावा हमारे पास रहेगा? आटे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, ठीक है। फसलें खराब होती है, प्रकृति की मार हमारे ऊपर पड़ती है, ऊपर से राजनीति की मार पड़ती है। कभी नोटबंदी, कभी कुछ, जीएसटी हम पे करते हैं। जीएसटी 25% हम दे रहे हैं सरकार को, लेकिन हमें मिला क्या? सुधारनी है ना, कहां सुधरी? ऐसे पहले भी सरकारें रही है, दो या तीन, मेरी बात सुनो, पहले भी सरकार थी, मेरी बात सुनो आप, पहले सरकार थी, पहले भी थी, लेकिन कोई वर्ग परेशान देखा आपने? कौन था परेशान? संतुलन था। मेरी सरकार से यही है कि संतुलन बना के चलो आप, ये नहीं है कि आप एक तरफ ध्यान दो और एक को मार दो, एक को आप नहीं। मैंने कल बात की बजट पे एक्सपर्ट से बात की, बोल रहे हैं किसानों के लिए तो खुशहाली का टाइम है। कहां एक्सपर्ट? एक्सपर्ट वो है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो सिर्फ सब्सिडी दी गई आपके लिए, गांव में जाकर एक्सपर्ट की करें ना, मेरे साथ गांव में चले, वो सर्वे करें हमारे गाँव के, मैं बताऊंगा फिर विकास कहाँ पहुँचा है उनका, विकास कहाँ पहुंचे, विकास मैं बताऊंगा। नेता गाड़ियों में रह रहा है, कहाँ बन रहा है? सिर्फ आपके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है, मॉल दिख रहे हैं। डिजिटल हम आज भी अपने टमाटर की क्रेट को 3-4 किलोमीटर सिर पर उठा के रोड तक पहुंचाते हैं। ऐसे 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 भी कई घर ऐसे भी है जहाँ बिजली नहीं है और सड़कें नहीं है, ठीक है। यहाँ शहरों में बैठ के आपको विकास दिख रहा है। हमें योगी यूपी में क्या, हर स्टेट का यही हाल है, हर स्टेटों में। आप यूपी की बात करते हैं, हिमाचल की बात करो, हमारे एमपी से बैठे हैं, कितनी सड़कें, सड़कें ही हैं, रूट कितने बढ़िया। हाँ, वो अपनी गाड़ी चलती है ना उनकी, इसलिए बन रहे हैं वो, ठीक है। जहाँ से हम डेली चलते हैं वो हम 20-30 किलो की क्रेट उठा के सड़क तक पहुंचाते हैं देश को अच्छा अन्न देने के लिए। और हमारे रेट कुछ नहीं है, उतरे हुए हैं बगावत के, क्यों नहीं उतरे? हमारी थाली से रोटी तक गायब होगी, हम बगावत ना करें आत्महत्या पर आगे, हम बगावत ना करें। हम वोट दे के सरकारें बनाते हैं, हम देखो किसान है, हम बीजेपी का भी समर्थन करते हैं, कांग्रेस का भी, हम हर उस पार्टी का समर्थन करते हैं जो देश को चलाने के, लेकिन हमारे को कहीं ना कहीं लूटा जाता है, छल किया जाता है हमारे साथ। हमारी हमारी बगावत क्या है? आत्मसम्मान की लड़ाई है हमारे ऊपर। आज हमारी थाली से अन्न गायब हो गया, सम्मान नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हमारी थाली से अन्न गायब हो गया, उस व्यक्ति का सम्मान कहाँ? मैम हम किसान है, ठीक है, और हमारी फसलें नहीं होती तो हम मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी का क्या रेट है? मजदूरी क्या, 300 रुपये दिहाड़ी है और 200 रुपये की तेल की बोतल है, 36 रुपया किलो आटा हो गया, आटे पे भी टैक्स लगा दिया है। हम तो चलो फसल उगाते हैं, हम कर लेंगे, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूरी करता है 9000 में हो जाएगा उसका गुजारा। 1200 रुपये का सिलेंडर है, ठीक है, 200 रुपये का तेल है, आटा है 36 रुपये का, और चीजें कितनी है, हर चीज पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम दे रहे सरकार को, कहाँ कर दिया माफ? हमारी हम पहुंचते नहीं 7 लाख तक, हमें 1 लाख से ऊपर हमारी इनकम नहीं होती। 50,000 आप ला लो, 9000 के साथ 12 9 कितने हुए, क्या बढ़िया है, बढ़िया। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनकी जाती है, उनको फैन फिट है, वो तालियां बजा रहे हैं। जो हम तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, हमारे लिए कहाँ है बस 10 बताए ना सरकार है, हम तो 7 लाख, हम तो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं है, हम तो वही है दाल रोटी का, हमारे तो दाल रोटी। और भी लोग हैं, मैं और भी लोगों से बात करती हूँ, आप चंद ही लोग आए हुए हैं, क्या बात है, किसानी इतना मतलब वो हो गया है। मैडम हमने ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करी, अच्छा, क्योंकि जो मेन जो दर्द है वो दर्द ही इकट्ठा करा हमने। कहाँ से आए हैं? हम जो है उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप उत्तर प्रदेश से? हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार मुनि। तो मुनि जी आप मतलब आप भी खेती करते हैं? जी हम भी खेती करते हैं। खेतों में क्यों नहीं है, यहाँ पे आज क्यों बैठे हुए आके? मैडम हमारा जो है शोषण किया जा रहा है कहीं ना कहीं, हम जो पीड़ित हैं इसलिए अपने दिल का दर्द एक ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सुनाने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री जी को सुनाने के लिए यहाँ पे रोड़ों पे क्यों बैठ रहे हैं भाई? उनको एप्लीकेशन दीजिए, चिट्ठी लिखिए, उनको बुलाएंगे आपसे बात। मैडम ये सब कुछ करके हम थक चुके हैं, परंतु हमने एक रास्ता सोचा कि सभी उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? वहाँ पे आपने तमाम जो नेता लोग हैं उनसे बात नहीं की? मैडम हम जब पूरे देश की लेकर चले, अकेले पूरे देश की मांग को लेकर चले, अगर मैं पीड़ित हूँ कहीं ना कहीं हमारे और पीड़ित है। क्या शोषण हो रहा है आपका? शोषण हमारा ये हो रहा है, सबसे पहले ठेकेदारी पर था, अगर हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले दलाल खड़े हैं,
अगर हमें 1 लाख का लोन है तो 40,000 तो हमारे वहीं खर्च हो जाते हैं, जब तक हम उनको दलालों को ना दें, बैंक मैनेजर हमारा लोन ही पास नहीं करता। अगर 40,000 में 1 लाख में 60,000 हमारे पास आ गया, उसमें जब हमने खेत में लगा दिया, फसल हमारी हुई जो है 40,000 की, तो हम कहाँ से भरें उस लोन को, कहाँ से देंगे? उसके पीछे पुलिस हमारे पीछे लग जाते, बैंक वाले हमारे पीछे लग जाते हैं, हमें उठा लेते हैं, जब कर्ज नहीं भरा तो हम आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तो लोन के बीच में ये जो दलाल पैसा खा रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब क्या बोल के लेते हैं आपसे पैसा? ये लेते हैं कि आप जो है इतने परसेंट दो, आपका लोन पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है उस परियोजना जितनी भी लोन जो निकाले गए हैं? मैडम ये परियोजना, ये चक्कर तो ये लिखा नहीं, गवर्नमेंट को शायद इस बात का ज्ञान है, इसी चीज़ को हम गवर्नमेंट को बताने के लिए आए कि हम कहीं ना कहीं हमारा शोषण किया जा रहा है, हमें नहीं मिल पाती। अब हम ट्रैक्टर खरीदते हैं, ट्रैक्टर खरीदने पर हमें जो इतनी सब्सिडी नहीं मिल पाती, बिजली का बिल, सब्सिडी और बिजली के बिल में तो कल बजट में काफ़ी अच्छा बताया गया कि भाई किसानों के लिए एग्री ग्रोथ है, जो ग्रीन ग्रोथ है, आपके लिए जो है बताया गया कि भैया डिजिटल कर दिया गया है, आपको परेशानियां नहीं होंगी किसी भी तरीके की? अब बिल्कुल मैडम डिजिटल कर दिया गया, हम मोबाइल से जो है बिल भरेंगे, ठीक है, वो जो मीटर लगाए गए वो मीटर और तेज चलते हैं हमारे, पहले जो मीटर थे वो तो धीरे धीरे चलाते, अब तो और तेज दौड़ने लगे वो, ये डिजिटल हो गया। मतलब तेज दौड़ने लगे तो सरकार ने कर दिया तेज दौड़ने? बिल्कुल मैडम, जब मीटर ठेकेदारी पर था, मैं ठेकेदारों को दे दिए, वे जो हाई स्पीड के मीटर लगा रहे हैं और बिल हमारे 4 गुना आ रहा है, हम तो परेशान है। तो लगातार किसानों के लिए तो इतनी बढ़िया कर रही है सरकार और फिर भी आप खफा हो? मैडम साल भर तक किसान जो रोड पर पड़े रहे, धरना प्रदर्शन किया, सरकार ने एमएसपी लागू कर दी, एमएसपी लागू तो कर दी परंतु खरीद नहीं हो रही उस पर, खरीद क्यों नहीं हो रही? लागू कर दी तो आप परेशान हैं, खरीद क्यों नहीं हो रही थी तो परेशान, खरीद क्यों नहीं हो रही उस पर, खरीद करो ना, अब खरीद भी वही करवाए, गवर्नमेंट का काम है खरीद करवाना, अब खरीद भी वही करवाई, गवर्नमेंट का काम है, मतलब प्रधानमंत्री जी आप ही की उसमें लगे रहे भैया, विदेश में दौरा नहीं करे, मैडम विदेश में दौरा उनकी जो 16 घंटे काम जो मैडम कमेटियां बनी है, कमेटियां काम तो करेंगे ना, के लिए सामाजिक कार्यकर्ता है वो, समाज के लिए अपने आप को त्याग दिया उन्होंने, मैडम हमने भी समाज के लिए अपना त्याग दिया, बीवी को त्याग दिया उन्होंने, मैडम बीवी को हम भी त्याग दिया, हमें प्रधानमंत्री कोई बना दे, मान ही नहीं रहे आप लोग, बगावत पे उतर आते हैं, मैडम बगावत हम नहीं उतरते, अगर हम अन्ना उगाए तो आप भी हमारी तरह बगावत पे उतर जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से है तो क्या क्या वहाँ पर सहूलियत नहीं दी गई है? योगी जी तो काफी बोलते हैं वहाँ पे सहूलियत है भैया, आप यहाँ पे मतलब किसानों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, किसानों को नहीं पहला, जो बड़े खेती मालिक जो बड़े जमींदार हैं किसानों के लिए नहीं तो किसके लिए है वहाँ पे? किसानों के लिए, महिलाओं के लिए इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, बताया जा रहा है महिलाओं के लिए क्या बढ़िया किया है? महिलाएं तो रात में निकल सकती हैं भैया गहना पहन के, इतनी सिक्योरिटी इतना टाइट कर दिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, पेट तो नहीं भरेगा ना। मेरी अब की बार जो गन्ने की फसल हुई है वो 2 लाख की हुई है, और जबकि उससे 4% को राशन मिल रहा है, 4 राशन से पेट भर जाएगा, कब तक भीख मांगेंगे लोग, कब तक भीख मांग रहे हैं, भीख है मैडम वो, तो क्या देना चाहिए फिर उन्हें जो गरीब है परेशान है जिनके पास, रोजगार देने चाहिए, रोजगार के साधन मुहैया कराने चाहिए, रोजगार चाहिए, अब राशन भी दे, समानता का अधिकार लेना चाहिए, अब लोन ले लिया, अब इनकी भाई साहब पावर है उठ बैठे, इनका माफ कर दिया, मेरा माफ क्यों नहीं किया, मेरी फसल खराब हुई नहीं खराब नहीं, इनका फिर भी ऋण माफ कर दिया गया और मेरा फिर भी नहीं हुआ, ऐसा क्यों? समानता का अधिकार, मतलब दूसरे को देख के परेशान हो रहे हैं इसलिए परेशान में आ रहे हैं। बिल्कुल मैडम परेशानी है, उसका हो गया हमारा नहीं हुआ, बिल्कुल, तो आपके कुछ कागज वागज कुछ तो कमी रह रही होगी तभी नहीं हुआ ना? नहीं कागज कमी नहीं ना कोई, उनकी पहुँच है अधिकारी, तो हमारी पहुँच नहीं है, हम गरीब किसान है, हम चापलूसी नहीं कर सकते, हम खेत में काम करें या वो पीछे को चक्कर लगाए, मतलब आरोप लगा रहे कि वो चापलूसी करते हैं। हाँ जी बिल्कुल चापलूसी करते हैं। अच्छा, अभी क्या कुछ करेंगे फिर यहाँ पे? हम जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे जो हमारी मांगे हैं। चलिए और भी लोग हैं पीछे, मैं आपको दिखा दूँ कि उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं मथुरा, मथुरा से आया हूँ, सोलका गाँव में। खेती करते हैं? हाँ बिल्कुल खेती करता हूँ, छोटा किसान हूँ। तो बाबा इतनी उम्र हो गई आपकी, यहाँ परेशान हो रहे हैं, ठंड भी है, समस्याएं देखिए, समस्याएं बहुत हैं, आप अगर फील्ड में आएंगी हमारे साथ रह के देखिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि किसान की कितनी समस्याएं, महंगी पेस्टिसाइड, महंगी फर्टिलाइजर, महंगे सीड्स। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा कि बाजरे का जो भाव रेट चल रहा है 2200 का, अगर उसका बीज खरीदें हम तो 300 रुपये किलो, इसका मतलब कितना अंतर है। जो सरकार ने जो दो तरह के रेट रखे हैं वो किसानों के लिए समर्थन क्यों रखा है और उनके लिए रिटेल प्राइस क्यों रखा है? किसान
कितनी मुसीबत में फसल तैयार करता है ये कोई नहीं जानता। किसान महंगे बीज बोता है, फिर 6 महीने उसकी रखवाई करता है, आवारा पशु, जंगली पशु जिसमें सुअर और रोज ज्यादा हैं, वो फसल को के लिए तो बाड़े बनवाए गए हैं, बाड़े बनवाए गए कहाँ, वहाँ हालत खराब हो रही है, ले ही नहीं रहे पैसे तो उनको, किसानों की ये हालत हो गई है, गोली चल जाती है गायों के 12 पशुओं के, बाड़ों पे इतना करोड़ खर्च किया गया है, बाड़े बनवाए हैं तो आपको सब कहने के लिए है, हकीकत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया। हाँ, जाड़ा हो गर्मी हो सांड मार देते हैं, सुअर फाड़ देते हैं किसानों को और उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें भी अब सरकार की गलती हो गई। सरकार की गलती नहीं है क्या है, हमारे लिए समर्थन क्यों कर रहे हो, हमारे लिए मैग्नियम रिटेल प्राइस रखो, हमारे लिए समर्थन क्यों, समर्थन का क्या महत्व है, तो इसका मतलब आप व्यापारियों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ नहीं खड़े, व्यापारियों के साथ खड़े हैं, किसानों के लिए तो लगातार समर्थन क्यों कर रहे हैं, और समर्थन में कितना जो है गल्ला खरीदा जाता है, कितना फसल खरीदी जाती है, मुझे आंकड़े लगा के दो। अगर उच्च क्वालिटी के आप जब बीज लेते हैं, किसान जो है, किसान सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स किसान देता है, तो माफ कर दिया ना, कल बजट में आ गया, कहाँ माफ कर दिया, 7 लाख तक टैक्स माफ कर, कहाँ जितने प्रोडक्शन है जितनी चीजें वो तो सबसे आम आदमी खरीदता है, आम किसान खरीदता है, किसान को टैक्स देना पड़ता है, महंगी बिजली है, आप आइए मेरे साथ देखिए कि कितना बिल है, तो किसान के हालात खराब है, किसान भी तो मिल रही है, अभी जो बजट हुआ है उसमें किसान के लिए बजट बढ़ाया है, कटौती की है, ये तो पत्रकार लोग जानते हैं, कटौती कर दी। हाँ, कल बजट में इतना अच्छा बढ़िया बता रहे हैं एक्सपर्ट्स लोग, एक्सपर्ट लोग तो बताएंगे, जो समर्थित हैं वो तो बताएंगे अच्छा। लेकिन मुझे बताइए क्या है, जो 2000 रुपए दिए जाते थे किसानों को, सरकार ने छोटी छोटी गलती जो क्लेरिकल गलतियां हैं, जैसे नाम एक वीरेंद्र है उसमें वीरेंद्र हो जाए, उसी पे उनकी जो है खत्म कर दी गई, लोन 60,000 देखिए 60,000 लोगों का इस तरीके से खत्म किया, तो गवर्नमेंट जो है जो चाल खेल रही है वो किसानों के पक्के में चाल नहीं है। खेल रही है किसानों के साथ, हाँ अब उसे कोई और काम नहीं है सर, नहीं चाल खेल रही है केवल वोटों के लिए और कुछ नहीं है, खामा खाम बेकार की जो चीज है, क्या कुछ करेंगे यहाँ पर आप, हम मांग कर रहे हैं कि किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिले, MSP को नहीं दिया, नहीं आपकी मांगे मानी तो फिर क्या करेंगे, स्थाई करो करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे जिंदगी भर, 72 साल की उम्र हो गई, 77 से मैंने जो है इसी आंदोलन भाग लिया है, आप उनकी तरह संघर्ष कर पाएंगे जो बॉर्डर पे बैठे थे किसान, बिल्कुल वहाँ भी मैं रहता हूँ, यहाँ भी मैं रहता हूँ, जहाँ जहाँ भी किसान की आवाज उठती है मैं वहाँ मिलूंगा, किसानों की आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि मेरा जन्म ही किसान परिवार में हुआ है, किसान की जो हालत है देखी नहीं जाती, आज बच्चों की शादी के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है किसानों के पास, किसका कोई ठीक नहीं है, पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं किसान, कहाँ से फसल के इतना फसल में इतनी लागत है कि उसका उपज का दाम ही नहीं कर पाता, आज भैंस 1.5 लाख की आ रही है और गाँव में अगर दूध का भाव देखेंगे तो आपको 30 से 35 रुपये से ज़्यादा नहीं है, वहाँ लूट हो रही है, क्या करेगा किसान, 60 हो गया है, कितना अंतर है किसान के लिए, क्या 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 किया है सरकार ने, चारे का भाव आज की तारीख में बहुत महंगा चल रहा है, 1 लाख की भैंस जो है नहीं निकाल पा रही, लेकिन किसान की मजबूरी है कि एक्स्ट्रा में उसे खेती के साथ साथ की अंदरूनी सारी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए MSP ज्यादा वो थी, उसको तो सरकार ने मान लिया है, MSP सपोर्ट क्या, समर्थन का क्या महत्व, मुझे आप बताइए समर्थन क्या चीज है, समर्थन का मुझे यह बात बता दीजिए इसका क्या महत्व क्या है, समर्थन का कोई महत्व नहीं है, समर्थन को हम माने न माने तो व्यापारी तो नहीं मानना है समर्थन, तो जो प्राइस हैं उपज के किसानों के वो नीचे जा रहे हैं, अभी देखिए आधी फसल जो है पाले से मर गई, सुअर आलू को खत्म कर रहे हैं, ये तो आपको ही देखना पड़ेगा ना वहाँ, अरे भाई हम तो उन्होंने बना दिए, तो इतनी मेहनत के बाद हमारे लिए कुछ मूल्य तो होना चाहिए, नहीं मूल्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है तो क्या है,
इसलिए हम संघर्ष करते रहेंगे। मांगे क्या है, संघर्ष क्या है? ये है किसानों को उचित मतलब जो है भाव दिया जाए, किसानों की सुरक्षा से संबंधित की जाए, जो हम जो है बीमा कराते हैं वो भी नहीं किसानों को मिल पाता है, जो बहुत बड़ी संख्या में जो लूट हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे। अच्छा, कल बजट आया है उससे आपको खुशी है कि नहीं है? देखिए, किसानों के लिए तो कोई खुशी है नहीं, बाकी मैं राजनीति पे कोई कमेंट नहीं करें, नो कमेंट। चलिए ठीक है। तो ये तमाम जो है किसान लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, तमाम ये वो किसान हैं जो खेत से शिमला, शिमला से दिल्ली पद यात्रा करते हुए आए हैं। तो तमाम किसान लोग जो कल बजट आया है उससे 1% भी इनको खुशी नहीं है, ना ही ये खुश है, क्योंकि इनके लिए उसमें किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं की गई है। आम जनता के लिए भी अगर बजट बताया जाए तो आम जनता की राय भी इसी तरीके की है कि गरीबों के लिए कुछ खास बजट नहीं है, ये अमीरों के लिए ही और बनाया गया है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसानों की बात करें तो ये वो हैं जो अन्नदाता है, जो लगातार खेतों में ठंड में जाड़े में बैठ कर खेती करते, किसानी करते हैं, और उनको उसका मूल्य भी नहीं मिल पाता है। तो तमाम किसान ये जो है आप देख सकते हैं, ये अलग अलग राज्यों से आए हैं, किस तरीके की इनकी परेशानी है। कल बजट आया है उससे ये नाखुश हैं, किसी भी तरीके की सहूलियत कल बजट में किसानों के लिए नहीं दी गई है। एग्री ग्रोथ कल्चर की बात की जा रही है, बागवानी के लिए 2200 करोड़ की बात की गई है, लेकिन उसमें कोई सहूलियत नहीं दी गई है। डिजिटल बताया गया है लेकिन उसमें भी कोई खास सहूलियत नहीं दी गई है। लेकिन इनकी जो मूल समस्याएं हैं वो यही है कि बीज की क्वालिटी, बीज इतना महंगा, मूल्य नहीं मिल रहा है, दूध इतना महंगा है, दूध यहाँ पर उसका रेट कुछ और है, दिल्ली में तो आपको बता दें तो गांव में जो है 35 रुपये चल रहा है। तो इनकी ये तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ किसान नाखुश हैं और सरकार से इनकी लगातार जो है बगावत है। सरकार से इनकी यही मांगे हैं कि हमार को किसानों को समझा जाए और किसानों के लिए जो है इस तरीके के सारा बजट और बिल में जो बताया गया है उस तरीके से सारा सहूलियत दी जाए। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।